दूसरा मामला कोतवाली भोगनीपुर चौरा गांव का है, जहां एक मुस्लिम परिवार की नाबालिग किशोरी को उसी के गांव का आशिक लेकर फरार हो गया। इसके पहले भी आशिक पर 2 साल पहले गांव की एक और लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वहीं दूसरी ओर रंगीन मिजाज आशिक रंगीन ख्वाब दिखाकर नाबालिग को लेकर फरार हो गया। किशोरी को लेकर 2 दिन लगातार तलाश करने के बाद पीड़ित पिता को पता चला कि उनके पड़ोस का बेटा उनकी नाबालिग बेटी को ले गया है। जब उन्होंने जानकारी करनी चाही तो आरोपी आशिक के घर वाले किशोरी के घर वालों पर हावी होते हुए विवाद करने पर उतारू हो गए। अगर किशोरी की बात की जाए तो आशिक तथा उनके परिजनों द्वारा किशोरी को रुपए, मोबाइल तथा अन्य कई और चीजों का लालच तथा रंगीन ख्वाब दिखाकर घर वालों के खिलाफ भड़काया जा रहा था, जिसके चलते किशोरी अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर अपने आशिक के साथ शौच का बहाना बनाकर घर से फरार हो गई। पीड़ित माँ बाप ने अपनी बेटी को पहले काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। तब हताश होकर किशोरी के माँ बाप ने आरोपी आशिक तथा उनके घर वालों के खिलाफ कोतवाली भोगनीपुर कोतवाल राम बहादुर पाल के यहाँ जाकर पूरे मामले की जानकारी से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली के तेज तर्रार कोतवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए किशोरी के परिजनों को हर संभव कार्यवाही का आश्वासन देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। कहाँ रहने वाली हैं? अच्छा, यहाँ पर एक लड़की वाला जो पकड़ आया है सुनने को, रिश्ते में लड़की, वो कौन है आपकी भतीजी? किस तरीके से गायब हो गई ये? वो लैट्रिन का बहाना करके गई है और निकल गई है। मेरी बहू है, एक घर नहीं दो घर बर्बाद करे। पर साल हमने शादी करने के लिए इरादा किया और मोबाइल भी इसको अरशद ने दिया है और सबकी अम्मा भी आए यहाँ आई हैं कल, उन्होंने ये जानकारी उनको नहीं मिल पाई। बाप को देखा तो वो चुपचाप चली गई। उसके बाद उनका मतलब वो लड़का बौरा एक आया, वो भी उसने देखा सुना चला गया और सुबह से वही लोगों का आना जाना हुआ है और दूसरा कोई नहीं आया। आपको किस, पब्लिक जमा हुई। किस पे शक है आपको? हमको सब तो बस अरशद के ऊपर लगी है। अरशद? हाँ। ये कहाँ रहने वाला है? ये यहीं के रहने वाला है, सामने का। दूसरी बात, सुबह शाहरुख खान निकला है 8-9 के बीच में। शाहरुख खान कौन है? ये कमाल का निहाल का लड़का है और उसके बावजूद फिर 8:30 और 9 के बीच में वो लड़की भी निकली है। तो कहीं पता चला उसका? नहीं पता, कोई पता नहीं चला। तो क्या कार्रवाई की गई आप तरफ से? पुलिस सूचना दी गई? पुलिस आई है, उनको सूचना तो दी है, इंक्वायरी करके चले गए। वो हम ही से कह गए हैं कि आप ये इस चीज़ को जो कोई की जानकारी मिला तो हमको दो, अगर हमको ही जानकारी करना था तो आप लोगों को क्यों देते हैं? तो पुलिस बड़े लापरवाही दिखा रही है क्या? वो तो हमें समझ में आ रहा है, अब हम गरीब आदमी की कौन सुनेगा। सही, आज सुबह गायब हुई है क्या? आज सुबह 8 बजे और उसी टाइम पे वो लड़का निकला। अगर उनसे पूछो तो और चढ़ बैठ रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे घर की मामला बात है, तुम्हारे घर में आती थी, तुम्हारे घर में जाती थी, तुम लोग भी आते जाते थे तो कम से कम घर में आपस में मोहल्ले में पूछ जांच करी भी जाती है। कोई मार जाएगा, कोई मर्डर हो जाएगा तो पुलिस आएगी तो यहाँ मोहल्ले वालों से पहले पूछेगी। आपका? हमारा मुन्ना। कहाँ रहने वाले हैं? चौरा ग्राम। अच्छा, जो आज आपकी बेटी वाला जो मामला प्रकरण आया है सामने, क्या पूरा मामला है? हम सर काम करने चले गए थे और एक शख्स कल आया था घर में और हमने उनसे पूछा कोई कमाल के यहाँ के हैं, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है, चले गए। हम बहुत उनसे पूछते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं हमको जवाब दिया। हमने कहा कुछ तुमको लेना देना हो तो हमको बताओ, हम दिलवा देंगे, तो कुछ भी नहीं बताया, वो वापस लौट गई। आज हमारी लड़की का ऐसा कांड हो गया, हम साहब चले गए काम। कब का मामला है या? ये सुबह 8 बजे का। तो घर से किस तरीके निकली, क्या जानकारी थी, क्या बहाना बना के निकली है? जानकारी का बच्चा है, उसको छोड़ के कहने लगे तुम चूल्हा देखते रहो, हम लेटरिंग करके आ रहे हैं, कोई पता नहीं है, हम लोग जमा पता कर रहे हैं। कितनी उम्र है उसकी लड़की की? ऐसे ही होगी 17 साल। 17 साल के आसपास है। कितने पढ़ती थी वो? ऐसे ही 8 में। 8 में पढ़ती है, 17 साल उम्र है। जी हाँ। आज सुबह शौच का नाम बहाना बना के निकल गई। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से जंग बहादुर की रिपोर्ट।